ज़्यादा मानती हूँ मैं भैया को, और उनकी प्रिडिक्शंस हमेशा ही बिल्कुल, मतलब कहते हैं ना, 100 पे 100 नंबर पे रहती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि लोग बहुत कुछ सिखाते हैं, भैया सबसे अच्छी चीज़ सिखाते हैं कि धर्म का मतलब है माँ बाप की इज्जत, धर्म का मतलब है दोस्ती की इज्जत, धर्म का मतलब है लोगों के जज्बात की इज्जत। आई थिंक ये बहुत कम लोग सिखाते हैं, क्योंकि कहते हैं ना, मैं राम को मानता हूँ लेकिन मैं राम की नहीं मानता जी। तो ये जो बात बोलते हैं ना, ये मेरे दिल को हमेशा छू जाती है कि हम ईश्वर को मानते हैं लेकिन वो क्या कहते हैं हम वो नहीं मानते। और ये जो धर्म हमें सिखा रहे हैं वो ये सिखा रहे हैं कि राम को ना मानो, राम की मानो, एंड ऑटोमेटिकली आपका जीवन जो है, जितना भी संघर्ष चल रहा है, प्रॉब्लम चल रही है, सब सही होगा। बाकी तो देखिए, जीवन है, ऊपर नीचे सब कुछ होता रहेगा और उस सब के साथ हमें चलना है। बट हमें एक मार्गदर्शक चाहिए, जो भैया हैं, एंड आचार्य विनोद जी से बेटर मार्गदर्शक कोई नहीं है। मतलब तारे सितारे तो बताते ही हैं, लेकिन मुझे लगता है ये इंसान को सही मार्ग पे चलना भी सिखाते हैं। ही इज़ अ वेरी गुड काउंसलर ऑल्सो। और मैं भैया को बहुत सालों से जानती हूँ, और हम लोग इलाहाबाद के हैं, तो इलाहाबाद वाले आपको मालूम है, प्रयागराज जहाँ नाम हो तो फिर वहाँ के लोग तो हमेशा ही बहुत अच्छे होंगे। सो भैया, वेलकम टू मुंबई, और मुंबई वालों की तरफ से मैं आपको बोल रही हूँ कि आपका यहाँ पे बहुत बहुत वेलकम है, और आपको बहुत सारा प्यार ऑलरेडी मिल चुका है, और भैया को बहुत सारा प्यार मिलेगा, और दैट्स इट। बड़ी बहन इनका आशीर्वाद मिल गया, इससे ज्यादा क्या हो सकता है। थैंक यू सो मच। आप सबसे पहले हमारे जितने मुझे प्यार करने वाले हैं, सभी मीडिया बंधुओं का दिल से बहुत बहुत आभार। आप सबकी जो मेरे प्रति इतना स्नेह रहा है, इतना प्यार रहा है, उसकी बदौलत हमने मुंबई में एक छोटे से, इलाहाबाद के छोटे से गांव का एक बच्चा, मुंबई जैसे शहर में एक छोटा सा ऑफिस बनाया है, जिसमें हमारे माता पिता, हमारे पूर्वज, हमारे माता रानी और हमारे जो प्रशंसक है और हमारे मीडिया बंधुओं का जो सहयोग रहा है मेरे जीवन में, उसके लिए दिल से बहुत आभार और बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, मेरे एक गुरुजी के साथ हम जब पढ़ते थे बहन, तो उसमें क्या होता था, गुरुजी से बोलते थे कि जो बात दवा से हो न सके वह बात दुआ से होती है, मिल जाए अगर कोई काबिल तो बात खुदा से होती है। तो मेरे साथ तो दुनिया की सुप्रीम पावर, महा पावर मेरे जो साथ चल रही, वो माता रानी है, उनकी कृपा के बदौलत ये सब कुछ हो जाता। हमें भी नहीं पता चलता ये कहाँ से हो रहा है, कैसे हो रहा है, लेकिन महारानी जी की जो अनंत कृपा हम पर दिन रात बरस रही, उसकी उनकी कृपा के बदौलत ऐसा हो रहा है। और बहुत सारा जो उनके प्रति मेरा जो समर्पण है, अटूट भरोसा है, वो सब मुझे नेम फेम यश कीर्ति का युग जो महारानी की कृपा के बदौलत मिल रहा है, उनके लिए बहुत बहुत सारा आभार, बहुत सारा प्यार माता रानी के प्रति। 2023 देखिए, वैसे तो जो साल है राहु जी का, सॉरी केतु जी का साल है, और अंक शास्त्र के हिसाब से हमारे जीवन में धर्म कितना है, और गोस्वामी जी ने एक चौपाई लिखा है रामचरितमानस के अंदर कि धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपत्ति काली परकिहु चारी। तो ये जो है, ये जो वर्ष है, जो धर्म जिनके साथ हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, लेकिन जहाँ थोड़ा भी डिसबैलेंस है उनके लिए थोड़ा सा संशय रहेगा, संघर्ष भरा साल रहेगा और नाना प्रकार की परेशानी का युग बना सकता है। और केतु जी ऐसे भी कहते हैं कि अगर आपने किसी को डिप्रेशन दिया है, किसी के जीवन में आपने पीड़ा परेशानी का युग बनाया है, तो आपके जीवन में बहुत सारी समस्या परेशानी का युग बन सकता है। तो कुल मिला के आप लोग समझ गए होंगे कि जो साल है धर्म का साल है, तो ज़्यादा से ज़्यादा धर्म करिए, अपने माता पिता का सम्मान करिए, अपनी बहन का सम्मान करिए, अपने मित्र का सम्मान करिए। ऐसा नहीं कि आप माता पिता का सम्मान कर रहे हैं, इंडस्ट्री में हम बहुत सारे लोगों का देखते भी है, मित्रता कर लेते हैं, और मित्रता में अगर आप छल करते हैं तो केतु जी आपकी बैंड बजा देंगे, आपके जीवन में परेशानी का युग बना देंगे। वैसे भी यह वर्ष जो है धर्म का युग है, धर्म का साल है, तो बहुत अच्छा होने जा रहा है। लेकिन आप देखेंगे कि अगर किसी को, क्योंकि जो केतु का कनेक्शन है कहाँ से है, हृदय से है, किसी को नहीं पता है कि केतु रातों रात जीवन में नाना प्रकार की जो परेशानी बना सकते हैं, तो बेहतर है कि हम अपने जीवन में अच्छे कर्म को करें, अच्छे
योग बनाए ताकि किसी हमारे शरीर के माध्यम से किसी को परेशानी पीड़ा का योग ना बने। हमारे मन के द्वारा, वचन के द्वारा, कर्म के द्वारा अगर किसी के जीवन में परेशानी का योग बन रहा है तो विश्वास मानिए यही केतु जी आपके जीवन में भयंकर से भयंकर परेशानी का युग बना सकते हैं। लेकिन अगर हमारे शरीर के माध्यम से किसी के जीवन में खुशियां आ रही हैं, किसी के जीवन में आनंद, उनके जीवन से परेशानी दूर जा रही है, तो आप विश्वास मानिएगा यही केतु आपके जीवन में नाना प्रकार के सुख संपदा का युग बना सकते हैं। तो कहने का मतलब है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। ये हमारे ऋषियों से हमने सुना है, ये धर्म का वर्ष है, केतु जी आपसे धर्म कराएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा धर्म करिए, माता पिता का सम्मान करिए और अधर्म से थोड़ा सा बचिए ताकि केतु जी की पनिशमेंट से आप बच सके। मैंने पिछले साल ही बताया था बहुत अच्छा वर्ष जा रहा है और बहुत अच्छा वर्ष जाएगा। बस आपके माध्यम से जो भी हमारे बॉलीवुड के लोग हैं, जो हमको प्यार करते हैं, या डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, नेता है, अभिनेता है, उन तमाम लोगों को हम बताना चाहते हैं कि अगर आपने संयम के द्वारा, अपने अच्छी वाणी के द्वारा, अच्छे कर्म के द्वारा कोई भी कार्य आप करते हैं, आपके जीवन में सफलता का योग रहेगा। थोड़ा सा संघर्ष रहेगा क्योंकि मिश्रित रहता है, बॉलीवुड में कई बार बहुत सारे पेन भी रहते हैं, तो उसके कारण इतना उत्तम नहीं बोला गया। लेकिन धर्म का युग है, अगर आपने धर्म कर रहे हैं, अपने माता पिता का सम्मान कर रहे हैं, अपने गुरुओं का सम्मान कर रहे हैं, अपने पूर्वजों का सम्मान कर रहे हैं, अपने द्वारा किसी के जीवन में पीड़ा का योग नहीं बनने दे रहे हैं, तो विश्वास मानिए यही केतु जी आपके जीवन में सुख संपदा, यश कीर्ति का योग बना देंगे। और नहीं कर रहे हैं तो जो प्रोड्यूसर है, बहुत सारे हमारे पास भी आते हैं, उन तमाम लोगों को भी बताना चाहता हूँ जो मन में संशय बना पड़ा है पिछले वर्ष से, क्योंकि जो धर्म युग हमारा स्टार्ट होता है, अभी चैत्र के प्रतिपदा से हमारा नया वर्ष प्रारंभ होगा, तो जो यह वर्ष प्रारंभ हो रहा है इसमें यश कीर्ति का युग है, इसमें आपको फेम मिल सकता है। बहुत सारे प्रोजेक्ट जो अभी मार्च के बाद बहुत सारी पिक्चर हिट हो सकती है, लेकिन कई ऐसे पिक्चर होंगे जिसमें केतु जी ने थोड़ा भी मिस्टेक है तो केतु जी उसको नुकसान कर सकते हैं, परेशानी का योग बना सकते हैं। तो बेहतर है कि धर्म के साथ चलिए, धर्म के साथ कार्य करिए, आपके जीवन में, आप तमाम लोगों के जीवन में अच्छा वर्ष रह सकता है। क्योंकि इस साल जो हिट होगी वह सुपर हिट होगी, बीच वाला साल नहीं रहेगा कि बीच वाला साल रहेगा, या तो हिट होगी या तो फ्लॉप होगी। तो आपको हिट में जाना है या फ्लॉप में जाना है आप लोग पे निर्धारित करता है। के लिए जितना कहूँ उतना कम है। मैं जिस फ्रेज में थी, मेरे पापा की डेथ हो गई थी उस टाइम पे, और बहुत सारे ऐसे क्राइसिस थे, फाइनेंशियल क्राइसिस थे जो हम सफ़र कर रहे थे, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था क्योंकि मेरी मदर है और एक मेरी छोटी सिस्टर है, मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल थी वो सिचुएशन। लेकिन आचार्य जी एक ऐसे इंसान थे, जब आए आचार्य जी के पास में आई, मैंने कहा आचार्य जी ये मेरी प्रॉब्लम है और मैं बिल्कुल 99 पे फेल हो जाती हूँ, एंड दैट इज़ ट्रू, मैं 99 पे बिल्कुल फेल हो जाती थी, मैंने बहुत साल मेहनत करी है। तो आचार्य जी ने मुझे एक साल बताया, रिया इस साल के बाद तुम्हारा नो लुकिंग बैक है, उसके बाद तुम्हें कभी पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत नहीं है। और मैं जब आई तो आई थिंक मुझे 2 मंथ्स हुए और 2 महीने में मैंने 3 फिल्में साइन करी है, तो आई थिंक मैं तो जितना कहूँ उतना कम है। मैं ऐसी एग्जाम्पल थी जिसका मुझे लगता था कि कुछ अब नहीं हो सकता, लेकिन आचार्य जी ने मुझे कह दिया था कि ऐसा बिल्कुल मत सोचो, अभी कुछ होगा। तो आई एम वेरी थैंकफुल कि आचार्य जी से मेरी मुलाकात हुई, और ये इंसान बहुत अच्छे हैं, ही इज अ वेरी गुड ह्यूमन। एंड आचार्य जी के बारे में, सॉरी आई इंटरप्टेड, बट एक बहुत जरूरी चीज मैं बोलना चाहूंगी, भाई ऐसे इंसान है जो लोगों को खुश करने के लिए नहीं बोलते हैं, जो सच होता है, जो ईश्वर इनको बताता है इनकी सैटेलाइट में, ये वो बताते हैं, ये बिल्कुल भी खुश नहीं करते हैं कि नहीं ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बोलते नहीं होगा, कर लो कोशिश, ये करो तो हो सकता है। लेकिन ऐसे नहीं कि मतलब लोगों को खुश कर दिया, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आपके मार्गदर्शक हो ना वो एकदम सही मार्ग आपको सच बताएं कि आगे पत्थर है, आगे गड्ढा है, गिरोगे ज़रूर, हाँ मेरे बोलने से थोड़ी चोट कम लग जाएगी। ये कभी ऐसा नहीं बोलते कि मैं काल बदल दूंगा, ये बोलते हैं कि मैं काल को आपके लिए थोड़ा सा बेटर कर दूंगा, जो आपके ऊपर घटना घटने वाली है उसको थोड़ा प्रकोप कम कर दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं कि गिरोगे ही नहीं। So he never says that I'm God, and that's why I love him so much. Thank you. ये बात तो है। आप मेरी बहन है, आप मुझे इतना प्यार कर रहे हैं, मैं तो आपको एक भाई बहन के रिश्ते से हम जुड़े हैं। हम संसार में अपने कार्मिक कनेक्शन को जीने के लिए, हमारा सबका कार्मिक कनेक्शन है, जितने लोग यहाँ पे हैं जो हमारे पास जुड़े हैं,
99% बॉलीवुड तो हमको प्यार करता है, लेकिन वो लोग सब यहाँ उपस्थित है क्या? तो जो उपस्थित हैं वो आपके साथ कार्मिक कनेक्शन है, और हमने यही बोला था महारानी जी से कि माता रानी जो हमारे अपने रिश्ते हो मेरे साथ आके खड़े हो और अच्छा एंजॉय कर रहा हूँ। देखिए बहने, कोई भी बुरा हो रहा है या कुछ अच्छा हो रहा है लाइफ में, ये सब ईश्वर पर आधारित है। हमारे जीवन में न तो भगवान से कोई शिकायत है कि भगवान आपने मेरे साथ इतना बुरा कर दिया, और न कभी कोई शिकायत उनके लिए रहेगी। हरदम हमारे जीवन में उनके लिए एक अप्रिसिएशन रहता है कि थैंक यू सो मच माता रानी, आपने मुझे बेस्ट बनाया, थैंक यू सो मच माता रानी, इतना सारे लोगों का जो प्यार मिल रहा है। क्योंकि मैंने आज एक पोस्ट किया है इंस्टाग्राम पे, रात में लिख रहा था कि क्या लिखूं, कि मैं मेरी हैसियत क्या थी, मैं एकदम 6 रुपये फीस जिस बच्चे को ना मिला हो, हमने आज मीडिया से बात किया तो बताया कि एजुकेशन के लिए जिस बच्चे को 6 रुपये फीस के कारण उसका नाम काट दिया गया हो, उस बच्चे को अगर इतना प्यार मिल रहा है तो सिर्फ ईश्वर की कृपा। अगर आपके माता पिता, आपके गुरु, आपके इष्ट आराध्य पर अगर आपका अटूट भरोसा है, जो भी हमें सुन रहे हैं जिनके जीवन में बुरा समय चल रहा है, आप एक बार सच्ची लगन लगा के माता रानी से देखिएगा, आपके जीवन में आपका परिवर्तन ना हो जाए तो मुझे जरूर आके मेरे नाम पे केस कर दीजिएगा, लेकिन अटूट भरोसा होना चाहिए। अगर आपका अटूट भरोसा है तो आपके जीवन में परिवर्तन 100% होने वाला है, और नहीं होता है तो मेरे नाम पे FIR कर दीजिएगा कि हमने इनके ऊपर, माता रानी को इतना प्यार किया था और हमारे साथ बुरा हो गया। तो आपका भरोसा, भाव भरोसा और भक्ति, तीन चीज़ें अगर आपके जीवन में शुद्ध होगी तो विश्वास मानिए आपके जीवन में परिवर्तन 100% होगा।